हेलो एवरीवन, सो मेरी तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैंने की है खूब सारी प्रैक्टिस और पसीने से भीग चुकी है मेरी टी शर्ट। खैर छोड़िए, आज के वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में एक आम समस्या की बात करेंगे, वो समस्या है कमर दर्द की। हर दूसरा इंसान आज के टाइम पे कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो इंसान ऑफिस में काम करता है, चाहे आप फील्ड जॉब करते हैं, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत टाइम तक एक जगह पर बैठना पड़ता है, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एक इंसान। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिख रहा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट इस वीडियो में अगर कुछ भी ज्ञानवर्धक बात है, कुछ भी अच्छी बात है, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? जो हमारी कमर की संरचना है वो छोटे 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 वर्टिब्रा से बनी होती, छोटी छोटी हड्डियों को एक साथ मिला के एक संरचना होती है, जिसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल एरिया, फिर उसके बाद होता है आपका थोरेसिक एरिया, फिर लंबर एरिया, फिर सैक्रम और कोकिक्स। तो ये सारा मिला के 33 होता है। कैसे? सात तो होती हैं आपके सर्वाइकल एरिया में हड्डी, फिर उसके बाद होती हैं 12 सबसे लंबा थोरेसिक एरिया में हड्डियाँ, फिर 5 होती हैं लंबर रीजन में, 5 होती हैं सैक्रम रीजन में, और बाकी की जो 4 हड्डियाँ होती हैं वो कोकिक्स रीजन में होती हैं। तो ये सारी हड्डियाँ एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ी होती हैं, और इन दोनों के बीच में इस जगह पे, सो दैट ये एक दूसरे से टकराए ना, होता है कार्टिलेज, और उसके बीच में होता है एक द्रव्य जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूड, और इस संरचना को एक अच्छी तरीके से बांधने के लिए, सो दैट डिसबैलेंस ना हो, एक अच्छा वो संरचना देने के लिए ये इसको सपोर्ट करते हैं लिंगामेंट, जिसके कारण से हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलती है। अब क्या होता है कि जब हम, अगर हम अपनी दिनचर्या को एनालाइज कीजिए, क्या होता है कि सुबह हम उठे और नहा धो के फ्रेश हुए, नाश्ता किया, अपने काम पे गए, वापस आए, फिर फ्रेश हुए, खाना पीना खाए, सो गए, उसके बीच में हम अपनी बॉडी को टाइम देना भूल जाते हैं, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तरीके का स्टिफनेस हो जाता है, एक तरीके का कड़ापन हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, और जो प्रॉपर हमारे शरीर का मूवमेंट होना चाहिए ये वो नहीं होता। दोस्तों, अपने आसपास कभी आपने देखा होगा कि जब जानवर सुबह सुबह उठते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, खरगोश हो, कोई भी आपके आसपास जानवर आप देख लेना, वो सुबह ही सुबह उठते अंगड़ाइयाँ लेते हैं, अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और एक स्ट्रेचिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये बात दोस्तों जानवरों को पता है, लेकिन हम इंसान होते हुए इस छोटे से विज्ञान को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो इस विज्ञान को वापस से हम अप्लाई करेंगे, और योग की मदद से हम करेंगे बहुत अच्छी अपने स्पाइन की स्ट्रेचिंग, सो दैट कि हमारी स्पाइन में वो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आए, और हमें कभी भी, मतलब स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कमर दर्द की कभी भी कोई समस्या ना हो। दूसरा, जब आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल होती है, तो क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कभी कोई चोट लगना हो, तो अगर हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी तो वो उस चोट को, उस झटके को बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन वहीं अगर हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा कड़क है, कड़कपन है, तो स्पाइन में हो सकती है इंजरी। आपको पता है स्पाइन में अगर एक बार इंजरी हो गई, क्योंकि स्पाइन की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेट है, और अगर स्पाइन में इंजरी हो गई तो हम वापस से उठना बैठना तो भूल ही जाइए, कोई भी काम, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में हमारे स्पाइन की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, बुढ़ापा हमसे उतना कोसों दूर भागेगा। तो इसलिए आप सभी अगर यंग रहना चाहते हैं, और अगर आप पूरी उम्र ताउम्र अपनी लाइक चलते फिरते रहना चाहते हैं, तो ये सारे अभ्यास ज़रूर कीजिए, अपनी बॉडी को वो मूवमेंट दीजिए हर रोज़। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए जिस आसन की मैं बात कर रही थी, उसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन, या इसको इंग्लिश में हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं। लेकिन उस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को करना होगा रेडी। किस तरीके से? सबसे पहले हम करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि हमारी स्पाइन को थोड़ा वार्म अप करेगी।
तो उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल है, वज्रासन में, सुखासन में बैठ जाए। कभी भी जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो भी इसको करें, सो दैट सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को जितना खींच सकते हैं बाहर की तरफ खींचे एंड बैक। सांस लेते हुए अपने चेस्ट को जितना ओपन कर सकते हैं ओपन करें, और आपका जो सर है आसमान की तरफ, और सांस छोड़ते हुए बैक। एक केव के लाइक जैसी संरचना होगी आपकी स्पाइन की। वापस से सांस लेते हुए छाती को जितना खोल सकते हैं ओपन योर चेस्ट, लुक अप टुवर्ड्स द स्काई एंड एक्सहेल कम बैक। 15 से 20 बार हम इस तरीके से अपनी स्पाइन को करेंगे स्ट्रेच। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज है अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए, या इसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। किसी भी जगह आप बैठे हैं तो इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। जो लोग भी इस तरीके से जिनको घुटनों में परेशानी है वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो पालथी मार के भी बैठ सकते। अब करेंगे कैट एंड काउ पोज, या इसको मर्जर्य आसना और बिटिल्ला आसना भी कहते हैं। उसके लिए आप अपने घुटनों पे इस तरीके से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ को सामने की तरफ मैट पे रख दें और पंजे मैट पे सपाट। सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें और ऊपर आसमान की तरफ देखें, लुक टुवर्ड्स योर स्काई एंड एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचे, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ। इनहेल एक्सहेल, दिस इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इट गिव्स वेरी नाइस स्ट्रेच टू योर स्पाइन। इफ यू आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग दिस आसना यू विल नेवर फेस बैक पेन इन योर लाइफ। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन सर्वाइकल पेन और एनी पेन विच इज देयर इन योर स्पाइन। नाउ रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए शशांक आसना में रिलैक्स कीजिए, फोरहेड ऑन द मैट, रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। उसके लिए वज्रासन में बैठें और फिर धीरे से अपने शरीर के दाहिनी तरफ इस तरीके से बैठ जाएं। अब क्या करेंगे कि अपना जो लेफ्ट लेग है इसको क्रॉस करते हुए राइट नी के पास आपका लेफ्ट लेग का एंगल होगा, एंकल होगा इस तरीके से, और जो राइट लेग का फुट है वो आपकी लेफ्ट लेग के हिप्स के नीचे होगा इस तरीके से। सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं खींचे और आसमान की तरफ देखें, लुक टुवर्ड्स स्काई एंड सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को इस तरीके से टर्न करते हुए घुमाते हुए अपने उल्टे पैर के एंकल्स को इस तरीके से होल्ड करेंगे और अपना जो बायां हाथ है उसको अपने शरीर के पीछे अपने पाम को प्लेस करेंगे एक हाथ डिस्टेंस पे इस तरीके से, और पीछे की तरफ देखेंगे। आप महसूस करेंगे आपकी स्पाइन में वो स्ट्रेच, यू आर गेटिंग गुड स्ट्रेच टू योर लिगामेंट। हर एक वर्टिब्रा पे आप काम कर रहे हैं, पीछे जितना देख सकते हैं देखें। आप इस अभ्यास को जब करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन को बहुत बढ़िया मसाज मिलता है। ये आसन आपको मधुमेह के रोगी हैं, अगर डायबिटीज़ की समस्या है,
किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई समस्या है, स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, एंड और जब रिलीज करना हो अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से रिलीज करके वापस से वज्रासन, इसी तरीके से दूसरी साइड दोहराते हैं। अब हम बैठेंगे अपने शरीर के बाएं साइड इस तरीके से और अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के एंकल्स, मतलब बाएं पैर का घुटना और दाहिने पैर के एंकल्स एक दूसरे के साथ होंगे इस तरीके से, और एक हाथ का डिस्टेंस बैक, और अपना जो दाहिने बायां हाथ है उसको आसमान की तरफ इस तरीके से खींचिए, और घुमाते हुए हम पकड़ेंगे अपने एंकल को और पीछे देखेंगे, जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम से पड़ा, और इस आसन को करने से आपको स्पाइन में कभी भी इंजरी नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन दैट यू कैन प्रैक्टिस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत है, समस्या है, और जब रिलीज करना हुआ तो हाथ को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी के पीछे दोनों पैरों को वापस से वज्रासन। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिन्होंने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, तो वो पहले ये आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दंड आसन में सबसे पहले बैठ जाएं और अपने दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए, अपने घुटनों से मोड़ते हुए अपने जो उल्टे पैर के घुटनों के पास अपने पैर के पंजों को इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब अपना जो दाहिना हाथ है उसको रखा अपने शरीर के पीछे वन पाम डिस्टेंस पे, और सांस लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को आसमान की तरफ खींचेंगे और घुमाते हुए प्लेस किया हमने अपने उल्टे पैर के, उल्टे जो सीधा पैर है दाहिने पैर के लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि नीचे वो हाथ नहीं रख पाएंगे या एंकल्स को टच नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ को इस तरीके से आसमान की तरफ ही हथेलियां बाहर की तरफ फेस करके और ट्विस्ट करेंगे एंड बैक। यही चीज दूसरी तरफ से आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए अपने घुटनों से अपने दाहिने पैर के घुटनों के पास रखा, और अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको बॉडी से पीछे एक हाथ के डिस्टेंस पे, और सांस लेते हुए अपने हाथ को आसमान की तरफ जितना खींचेंगे खींचे राइट हैंड को, और ट्विस्ट करें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें और अपना हाथ आप मैट पे इस तरीके से प्लेस कर दें, और पीछे की तरफ जितना देख सकते हैं देखें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने के बाद हाथ ज़मीन पे नहीं रख पाते या ट्विस्ट नहीं कर पाते, और जो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो या तो आप एंकल्स को पकड़ लें या इस तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए स्थिरम सुखम आसनम, और पीछे जितना देख सकते हैं देखिए। इस आसन का यही उद्देश्य है कि आपकी स्पाइन को स्ट्रेच मिले, आपके कंधे पीछे की तरफ हो, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें और पीछे की तरफ देखें एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को इस तरीके से रिलैक्स करके बैठ गए। ये तो था वक्रासन। अब इसी का एक और वेरिएशन, अभी तो हम पैरों को मोड़ के जिधर दाएं पैर के साइड ही रख रहे थे, अब पैरों को मोड़ते हुए हमने अपने उल्टे पैर के जस्ट इधर की साइड रख दिया, और इस तरीके से करेंगे ट्विस्ट करते हुए आप अपने दाहिने पैर के एंकल्स को इस तरीके से पकड़े और पीछे जितना देख सकते हैं देखें, होल्ड करेंगे कुछ देर। होल्ड करने के बाद और जो लोग इस तरीके से अपना हाथ घुमा के एंकल्स को नहीं पकड़ सकते, वो अपना हाथ इस तरीके से रखें,
जरूरी यह है कि स्पाइन को स्ट्रेच मिले एंड बैक। इसी तरीके से अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से मोड़ते हुए इस तरफ रखते हुए स्ट्रेच करेंगे। लुक बैक। और अगर कंफर्टेबल नहीं है एंकल्स को पकड़ने में तो आसमान की तरफ हाथ कर ले। ये जरूरी है कि स्ट्रेच करें एंड रिलैक्स। दिस वॉज सेकेंड वेरिएशन। अब फाइनली जब अर्धमत्स्येन्द्र आसन करेंगे, आपने देखा होगा कि इसमें थोड़े से वेरिएशन बता देती हूँ। आप वज्रासन में बैठे और अपने शरीर के बाईं ओर इस तरीके से बैठ गए किसी भी एक साइड, क्योंकि हमें ट्विस्ट तो दोनों साइड करना है, और अपने दाहिने पैर को इस तरीके से घुमाते हुए अपने लेफ्ट लेग के नी के पास रखा, और अपने जो अपना जो दाहिना पैर है उसको जितना आप इस तरीके से प्रेस करें और अपने जो शोल्डर्स हैं उसको घुमाते हुए सामने की तरफ आप करेंगे, और सांस लेते हुए अपना जो उल्टा हाथ है लेफ्ट हैंड है आसमान की तरफ करें और ट्विस्ट करें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें, और एंकल्स को पकड़ें। जो लोग एंकल्स नहीं पकड़ सकते वो अपने घुटने पकड़ लें, या आपने कोई कपड़ा पहना हुआ कपड़ा पकड़ लें, और वो भी नहीं हो सकता तो आसमान की तरफ हाथ वापस दाहिने हाथ को अपने शरीर की तरफ पीछे रखें और लुक बैक एंड रिलीज। इसी को हम दूसरी तरफ से कैसे करेंगे, ट्विस्ट करते हुए। अगर आप एंकल्स नहीं पकड़ सकते आप अपना घुटना पकड़ लें इस तरीके से एंड लुक बैक। अर्धमत्स्येन्द्र आसन को आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड रोक के रखना है, और अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अगर मैं होल्ड इट देयर एंड रिलीज करने के लिए दोनों हाथ पीछे की तरफ एंड रिलैक्स। अब बात कर लेते हैं इस आसन के बेनिफिट्स की। अर्धमत्स्येन्द्र आसन इज वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर टू हैव अ हेल्दी स्पाइन, सबसे पहला। दूसरा, जिन लोगों को भी डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या, उनके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। जिनको कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उनकी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छा मसाज देता है, क्योंकि आपने देखा कि जब हम ट्विस्ट कर रहे थे तो हमारी पूरी की पूरी अतड़िया इंटेस्टाइन को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिल रहा था। जिन भी लोगों को लीवर में किसी तरीके की समस्या है, किडनी में किसी तरीके की समस्या है, और वो सारी समस्याएं आपको दूर होने वाली हैं। इसके अलावा कंधे अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, कंधों को पूरा का पूरा ओपन होने का, वाइड ओपन होने का मौका मिलता है, तो आपके कंधे बहुत अच्छी तरीके से ओपन होंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उनको भी इस आसन से मदद मिलेगी। किन लोगों को ये आसन नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्पाइन में किसी तरीके की चोट लगी है, इंजरी हुई है, मत करें। अगर आपको रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है पेट में, ना करें। पेट में अगर आपको बहुत अल्सर है, पेट में किसी के तरीके का दर्द है, ना करें। तो और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हूँ। तो आशा करती हूँ आज की ट्यूटोरियल वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा प्रयास कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार।